कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन लेखा शास्त्र के भाग दो पर वित्तीय मतलब वित्तीय विवरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, संपत्ति, संपत्ति के प्रकार और चिट्ठी के बारे में पढ़ा था। तो चिट्ठा क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे चिट्ठी की क्या विशेषताएं होती हैं। तब चिट्ठी को अपन बैलेंस शीट भी कहते हैं, है ना? उपयुक्त परिभाषा से मतलब अपने जो परिभाषाएं पढ़ी थी उसके बाद चिट्ठी की मतलब जो मतलब चिट्ठी की निम्नलिखित प्रकार से मतलब जो विशेषताएं हैं, चिट्ठी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो पहला है चिट्ठी और दायित्व का एक विवरण पत्र होता है, मतलब चिट्ठा बनाने के लिए संपत्ति और दायित्व का एक क्या होता है, विवरण पत्र होता है। इसमें विकलन और समाकलन दो पक्ष होते हैं। आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए, चिट्ठा बनाने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं को परीक्षक तो अगर पूछा जाए कि चिट्ठी की विशेषताएं लिखिए तो आपको इसमें यही लिखना है। तो इसमें आपको बता दूं विकलन और समाकलन दो पक्ष होते हैं। बाई और दाई ओर मतलब बाई ओर दायित्व और पूंजी एवं पूंजी तथा दाएं में संपत्ति और देनदारों का क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। इसे दायित्व या संपत्ति के पक्ष में होते हैं। फिर तीसरा है चिट्ठे। चिट्ठे से व्यापार कितनी मतलब चिट्ठा होता है उससे व्यापार कितनी पूंजी है, वह किस प्रकार से विनियोजित है, इसकी जानकारी भी क्या होती है, प्राप्त होती है। चौथा है इसमें केवल एक मतलब एक वास्तविक एवं मतलब इसमें एक वास्तविक और एक व्यक्तिगत खाते ही लिखा जाता है। मतलब चिट्ठा होता है उसमें वास्तविक या व्यक्तिगत खाता लिखा जाता है। फिर पांचवा है चिट्ठा एक निश्चित समय के अंत में या वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। मतलब चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, मतलब उसको एक निश्चित समय और वित्तीय वर्ष के अंत में क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। फिर छठवां है इसके पक्षों को और से शब्द का प्रयोग खातों के साथ नहीं किया जाता। मतलब जो उनके पक्ष हैं उनमें को और से दो शब्दों मतलब जो प्रयोग है इन शब्दों का प्रयोग को और से शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गया चिट्ठे की विशेषताएं। तो चिट्ठे की छह विशेषताएं हैं। उसके बाद वो बेटा आपको एक प्रश्न ले रही हूं मैं, आपको लाभ हानि खाता बनाने के लिए। तो निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आपको एक प्रश्न दिया है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31/12/2007 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सुनील का क्या तैयार करें, लाभ हानि खाता तैयार करें। तो ये प्रश्न के अंतर्गत आपको आपको एक मतलब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा एक प्रश्न को समझा रही हूँ, उसको आप देखोगे। तो 31 वर्ष के आधार पर मतलब समाप्त होने वाले मतलब जो चिट्ठा बनता है मतलब लाभ हानि खाता है जो ये समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे, आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लाभ हानि खाता। जो आप शीट बनाएंगे उसमें लिखेंगे लाभ हानि खाता और कैसे बनना है ये 31/12/2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बन रहा है। तो आपको इसमें क्या क्या दिया है, आपको दिया दिया हुआ है सकल हानि, कमीशन, वेतन, वाह गाड़ी भाड़ा, बट्टा, बट्टा दिया मतलब जो आपको बट्टा प्राप्त हुआ और बट्टा दिया और विविध प्राप्तियां और विविध व्यय। आपको इतनी सारे मतलब जो है इतनी सारी एंट्रीज दी हुई है उसको आपको लाभ मतलब सुनील का लाभ हानि खाता आपको क्या करना है, बनाना है। तो आप एक लाभ हानि खाता के लिखने के पहले लाभ हानि खाता लिखेंगे, फिर आप उसको लिखेंगे 31/12 की स्थिति, 31/12/2007 की सात की स्थिति में। तो विकलन
हानि, तो ये सकल हानि दिया हुआ है तो अपन इसको दायित्व पक्ष की ओर लिखेंगे, सकल हानि। तो सकल हानि अपन को कितनी हुई, 2300। तो अपन इसको रकम वाले कॉलम में लिखेंगे 2300। उसके बाद हो गया वेतन, तो अपन को कितना वेतन प्राप्त हुआ, ये अपन को 300 मतलब जो वेतन प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, अपन को 2800 रुपए अपन को क्या प्राप्त हुआ, वेतन प्राप्त हुआ। तो वो भी अपन क्या लिखेंगे, अपने दायित्व है, दायित्व पक्ष में इसको लिखेंगे, तो 2800 रुपए अपन ने। फिर अपन को वाह गाड़ी भाड़ा, मतलब जो अपन को भाड़ा मिला वो कितना है, 300 रुपए। तो उसको भी ये भी आपका काय पे आ जाएगा, 300 रुपए गाड़ी भाड़ा वो काय पे आएंगे, दायित्व पक्ष। फिर आपको बट्टा दिया, मतलब जो बट्टा दिया वो काय पे प्राप्त, अपन को जो बट्टा दिया मिला मतलब, तो वो आपके भी, वो भी आपके दायित्व पक्ष में आएगा। तो कितना दिया आपको, 200 रुपए। तो अपन ने यहाँ पर 200 रुपए बट्टा भी लिख लिया। फिर आपके विविध व्यय, तो वो विविध व्यय है वो काय के साइड आएंगे, वो दायित्व साइड आएंगे। तो जो विविध व्यय है, आपने कितने विविध व्यय किए, आपने 150 रुपए, 150 रुपए क्या किए, विविध व्यय में आपने इसको क्या किया, खर्च किया। फिर आपको शुद्ध लाभ हानि खाते में हस्तांतरण, मतलब शुद्ध लाभ हानि खाते में आपका हस्तांतरण हुआ, वह क्या हुआ, वो है 100 रुपए। तो इसको आप पूरा टोटल लगा लोगे तो आपको प्राप्त होगा 5850 रुपए, आपको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ये आपके दायित्व पक्ष की एंट्री हो गई। फिर संपत्ति में क्या क्या आएगा आपकी, मतलब जो आपको प्राप्त हो रहा है कमीशन, तो कमीशन कितना प्राप्त हुआ, 1200 रुपए, वो आपका आ गया संपत्ति पक्ष में, वो आपके पास आया, इसलिए वह संपत्ति पक्ष में दिया जाए। फिर आपको बट्टा प्राप्त हुआ, तब किसी वस्तु का बट्टा आपको प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ आपको, 400 रुपए। तो आपको ये 400 रुपए जो प्राप्त हुआ बट्टा, वो आप कहाँ लिखोगे, संपत्ति पक्ष की ओर लिखोगे। फिर आपको विविध प्राप्तियां, मतलब ये भी आपकी संपत्ति के अंतर्गत आएगा, जो आपको विविध प्राप्तियां हुई, आपको जो प्राप्त मतलब हर, तो वो भी संपत्ति में आएगा, तो ये आपका 4250 रुपये। तो आप इसको 4250 रुपये को भी क्या लिखोगे, संपत्ति में लिखोगे। तो आपके दायित्व पक्ष में क्या क्या आएगा, सकल हानि आएगी, वेतन आएगा, वाह गाड़ी भत्ता आएगा, भाड़ा आएगा, बट्टा दिया, मतलब जो बट्टा आपने दिया, आपको प्राप्त नहीं हुआ, जो आपने बट्टा दिया, और जितनी देनदारी, जो देनदारी होती है वो दायित्व के अंतर्गत आती है। फिर आपके जितने विविध व्यय हैं, फिर आपको शुद्ध लाभ पूंजी खाते में हस्तांतरित, मतलब जो शुद्ध लाभ है 100 रुपए प्राप्त हुआ, वो आपने शुद्ध करा पूंजी खाते में क्या कर दिया, हस्तांतरित कर दिया। ये सब आपके दायित्व है, और ये संपत्ति है, आपको कमीशन प्राप्त हुआ, मतलब वो आपके पास आया, आपको देना नहीं, कमीशन प्राप्त हुआ, इसलिए वो संपत्ति। और आपको बट्टा प्राप्त हुआ, वो भी आपको प्राप्त होने वाली चीज है, आपकी हुई, इसलिए वो 400। और उसके बाद आपको विविध प्राप्तियां प्राप्त हुई, तो दायित्व पक्ष में क्या आएगा, और संपत्ति पक्ष में, दायित्व पक्ष में आपको ये सकल हानि, वेतन, गाड़ी भाड़ा, बट्टा, आपने बट्टा दिया, मतलब देने वाली चीजें, और जो अपन को मतलब मिलने वाली है, जो देनदारी ने लेनदार मतलब अपन को मिला, आपकी संपत्ति के अंतर्गत हो गया, तो कमीशन प्राप्त होना, बट्टा प्राप्त होना, और विविध प्राप्तियां, ये आपके संपत्ति पक्ष वाले कॉलम में आ गए। तो ये हो गया विकलन, और ये हो गया समाकलन। फिर आप इसका टोटल लगाओगे, उसको तो आपकी लाभ हानि मतलब समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपका लाभ हानि खाता क्या हो गया, तो आपको बैलेंस बराबर हो गई आपकी, ये आप 1200, 400 और 4250 रुपए जोड़ेंगे तो 5850 रुपए आपकी बैलेंस शीट ये आपकी तैयार हो गई, आप टैली कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आपको दायित्व पक्ष में क्या लिखना है और संपत्ति पक्ष में आपको क्या लिखना है। तो आपको एक छोटा सा सवाल है बेटा, आगे आप और उदाहरण देखकर आप उनको अच्छे से हल करेंगे, और प्रैक्टिस करने पे ही आपको ये आएगा बेटा, और आपको याद करना। तो बेटा आपने अभी लाभ हानि खाता देखा था, अब आप
देखोगे कि आपको निम्नलिखित विवरण के व्यापार खाता बनाइए, मतलब जो विवरण आपको निम्नलिखित विवरण से, मतलब ये विवरण दिया हुआ है, विभिन्न विवरण से आपको क्या बनाना है, मतलब आपको व्यापार खाता बनाना है। सबसे पहले आपको खाता बनाने के लिए, आपको शीट बनाने के पहले आपको वहां पर लिखना होगा कौन सा खाता आप बना रहे हैं। तो आप लिखोगे व्यापार खाता, और ये क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है कौन से, तो उसमें आपको सिर्फ लिखना है समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। मान लीजिए आप 2019 के लिए बना रहे हैं, है ना, इस टाइप से समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आप ये भी व्यापार खाता आप बनाते हैं। तो सबसे पहले व्यापार खाता में आपको समाकलन विकलन, तो आपको यहाँ पर विवरण लिखना होगा। अब आपको संपत्ति दायित्व नहीं लिखना है, विवरण रकम, विवरण रकम डेबिट और क्रेडिट, है ना। तो सबसे पहले आप प्रारंभिक स्कंध दे लीजिए, आपको व्यापार के लिए क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले आपको प्रारंभिक स्कंध प्राप्त हुआ वो कितना है आपका 1000 रुपए, तो आप उसको कहाँ लिखोगे, रकम वाले कॉलम में लिखोगे 1000 रुपए, है ना। तो आपने लिख दिया प्रारंभिक स्कंध 1000 रुपए। फिर आपने मतलब ये आपके विवरण व्यापार खाते में आपने मतलब क्या खर्च किया, जो जो आपके पास है आपने किस किस पर, मतलब तो आपके पास प्रारंभिक स्कंध कितना था, आपके पास था 1000 रुपए। फिर उसके बाद आपने क्रय किया, तो 5000 रुपए आपके पास क्रय करने के लिए थे, आपने उसमें 5000 रुपए कोई वस्तु को क्रय किया, है ना। और उसके बाद आपने उसकी मजदूरी भी दी, आपने कितनी दी, 150 रुपए, है ना। तो उस क्रय पैसे आपको मजदूरी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आपने 5000 में से 1500 घटा दिया, तो आपको कितनी प्राप्त हो गई, मतलब जो प्राप्त हुई वो कितनी है, 4500, मतलब जो आपकी क्रय वापसी हुई, सॉरी जो क्रय वापसी है आपकी कितनी है, 150 रुपए, है ना। आपने क्रय किया कोई सामान, तो आपने परचेस किया, तो आपको 5000 रुपए लगे, और फिर जो क्रय वापसी आपको प्राप्त हुई वो कितनी थी, 150 रुपए। तो ऐसे आपकी रकम कितनी हो गई, वो 150 रुपए घटाने पर 4850 रुपए हो गई। फिर आपकी मजदूरी, आपको इसके में मजदूरी कितनी है आपकी, 500 रुपए, तो ये 500 रुपए भी आपका यहाँ आ जाएगा। फिर आंतरिक भाड़ा दिया, मतलब जो आंतरिक भाड़ा था वो कितना था, 200 रुपए, तो वो भी आपका 200 रुपए यहाँ आ जाएगा। फिर कोयला शक्ति कितनी प्राप्त थी, 150 रुपए, आपको सकल लाभ कुछ मिला नहीं, तो आपका 6700 रुपए की आपकी, मतलब जो आपका व्यापार था वो 6700 रुपए का था। फिर आपको विक्रय, मतलब आपने क्रय किया, आपने विक्रय भी किया, तो आपने विक्रय कितने का किया, 7000, कितने का किया, 7000 का विक्रय किया। आपने ये जो आपकी जो रकम थी वो कितनी थी, 6700, ये प्रारंभिक स्कंध, क्रय, क्रय वापसी, मजदूरी, भाड़ा, कोयला शक्ति, ये सब आपके पास थे, है। फिर आपने विक्रय क्या किया, तब क्या बेचा, विक्रय किया, उसमें आप विक्रय क्या था, कितने का किया आपने, 7000 रुपए का, तो आप 7000 रुपए यहाँ लिखेंगे, रकम में नहीं लिखेंगे, है ना। फिर आपको उस विक्रय से कितनी वापसी प्राप्त हुई, मतलब जो आपको वापसी प्राप्त हुई कितनी थी, मतलब 300 रुपए। तो कैसे 300 रुपए वापसी कैसे हुए, तो 7000 में से आप 7000 में से 300 रुपए आप घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको, ये आपकी विक्रय वापसी है, दिया हुआ है विक्रय वापसी, आपने क्रय से घटाई, और विक्रय वापसी आप विक्रय से घटाओगे तो 860000 है, उसमें से आप क्या करोगे, 300 रुपए क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो 6700 रुपए आपकी, तो आपकी शीट कैसी हो जाएगी, टैली हो जाएगी, और वो आप नीचे टोटल में आप 6700 रुपए लिख दोगे। तो इस प्रकार आपको 6700 रुपए का व्यापार खाता आपने बनाया, और जो शीट आपकी टैली होगी। तो आपको विवरण पक्ष में क्या क्या लिखना है, जो आपका पास है वो है प्रारंभिक स्कंध। तो बच्चों
आपको बताऊं, सोहनलाल ने निम्नलिखित तलपट में 31 मार्च 2008 को उनका व्यापार एवं लाभानी खाता और चिट्ठा बनाई है। मतलब जो सोहनलाल हैं, तो जो सोहनलाल हैं उन्होंने तलपट में मतलब 31 मार्च को उनका व्यापार लाभानी खाता और अपन को चिट्ठा बनाना है, उसके लिए उन्होंने विवरण दिया हुआ है। प्रारंभिक स्कंद, क्रय, देनदारी, मतलब व्यापारी क्रय, यंत्र और मशीन, बीमा, भवन, पूंजी, मजदूरी, वेतन आहरण, रोकड़, प्राय विपत्र और अशोध ऋण, ये आपको उन्होंने दिए हैं। और इसमें उन्होंने पूंजी दी है, क्रय वापसी दी है, लेनदार दिए हैं, देय विपत्र दिए हैं, विक्रय और कमीशन दिया है। तो सबसे पहले अपन 2008 के लिए क्या बनाएंगे, व्यापारिक खाता बनाएंगे, मतलब व्यापारिक एवं लाभ हानि दोनों खाते क्या करेंगे अपन बनाएंगे। तो आपको ये हो गया बेटा आपका, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि आपको व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता सबसे पहले आपको जब बनाएंगे तो आप लिखोगे व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता और आपको बनाना है लाभ हानि, व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि खाता। तो आपको ये दो खाते बनाना है इसमें, ये 2008 के मतलब 31 मार्च 2008 के लिए। मतलब समाप्त होने वाले बस आपको ऐसा लिखना है, आपको ये आपको समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ये आपका क्या बनेगा, लाभ हानि खाता समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनेगा। फिर आपको विवरण में बनाना है, आपको क्या करोगे, तो आपको ये हो गया डेबिट, तो यहाँ पे आपको लिखना है विवरण। तो ये आप समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्या बना रहे हैं, लाभ हानि खाता बना रहे हैं। तो आपको प्रारंभिक स्कंद दिया, आप प्रश्न में देखेंगे बेटा प्रारंभिक स्कंद दिया हुआ है, तो प्रारंभिक स्कंद में आपको दिया है 3000 रुपए, रकम लिखेंगे आप यहाँ पर 3000 रुपए। उसी प्रकार से बेटा क्रय, मतलब आपने क्रय किया, क्रय कितना है 10000 रुपए, तो ये आ गया आपका क्रय, ये 10000 रुपए। फिर क्रय वापसी हो गई आपकी,
क्रय वापसी है कितनी है 350 रुपये। तो आप इसको क्रय से क्या कर दोगे, 350 रुपये क्या करेंगे आप, घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 9,650 रुपये। तो आपका ये 9,650 रुपये आपकी रकम हो गई। तो आप पहले प्रारंभिक स्कंध दिया 3,000, फिर उसके बाद आपका आएगा बेटा, आप लिखोगे मजदूरी, तो मजदूरी कितनी है आपकी, मजदूरी है 2,500 रुपये। ये आ गया आपका 2,500 रुपये मजदूरी हो गई। फिर मजदूरी के बाद आपका आएगा सकल लाभ, मतलब जो आपने सकल लाभ है वो है 32,550 रुपये, ये आपका सकल लाभ। तो ये 32,550 रुपये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सकल लाभ। उसके बाद आपके व्यापारिक व्यय कितने हैं, आपके व्यापारिक व्यय है 1,000 रुपये। ये हो गया आपका व्यापारिक व्यय कितने हैं 1,000। तो ये आपकी डेबिट साइड की एंट्रीज है, उसमें आ जाएगा आपका बीमा, वेतन, आसोध ऋण। तो फिर आपका बीमा, बीमा, वेतन और ये हो गया आसोध ऋण। तो बीमा कितना है आपका, बीमा है 180 रुपये का, 180 रुपये का आपका क्या है बीमा है। और आपका वेतन कितना है, आपका वेतन है 2,400 रुपये, 2,400 रुपये आपका वेतन हो गया। और आपका अशुद्ध ऋण जो आपने ऋण लिया कितना है 1,000 रुपये। तो ये आपकी डेबिट साइड की एंट्रीज हो गई। आपको शुद्ध लाभ कितना प्राप्त हुआ और पूंजी के हस्तांतरण, तो आपका जो शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ, तो आपका शुद्ध लाभ कितना है 28,370 रुपये। इसका पूरा टोटल लगा लोगे। फिर उसके बाद आपका डेबिट साइड का विवरण हो गया, अभी क्रेडिट साइड का विवरण है बेटा। तो आपका विक्रय कितना है, विक्रय, फिर उसके बाद आपका विक्रय वापसी भी होगा, है ना। तो विक्रय आपका कितना है 24,200 रुपये, ये आपके 24,200 रुपये आपकी क्या हो गई, विक्रय हो गए। और आपकी विक्रय वापसी कितनी है, आपकी विक्रय वापसी कुछ नहीं है, तो आपका जो ऐसी ऐसी रहेगा ये, और आपके पास हो जाएंगे 24,000। आपको ये यहाँ पर रकम में लिखना पड़ेगा 24,200 रुपये, ये आपकी क्या हो गई, रकम हो गई। फिर आपको अंतिम स्कंद, मतलब आपका प्रारंभिक स्कंद भी था और ये हो गया अंतिम स्कंद। तो अंतिम स्कंद आपका कितना है 23,500 रुपये, ये आपका अंतिम स्कंद हो गया। इसका आप टोटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 47,700 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार तो आप इसका यहाँ से लेके बेटा प्रारंभिक स्कंद से लेके सकल लाभ तक आप लगाएंगे, सकल लाभ कितना है 32,500, ये आपका सकल लाभ, सकल लाभ कितना दिया हुआ है
32,350 रुपये। ये आपका सकल लाभ है जो आप इस क्रेडिट साइड लाएंगे और उसको लिखेंगे 32,500। और आपको फिर कमीशन कितना प्राप्त हुआ है? आपको 400 रुपए कमीशन भी क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। कितने रुपए प्राप्त हुआ है? 400। तो अब आप इसका टोटल लगाएं तो आपको व्यापारिक खाता और लाभ, तो आपका ये व्यापारिक खाता हो गया और लाभ हानि खाता आपको दोनों एक साथ प्राप्त हो जाएगा। तो आपके टोटल लगाने पर होगा 32,950 रुपये। हो गया 32,950। ये आपकी लाभ हानि खाते की क्या बन गई? शीट बन गई 32,950। तो ये आपका आने वाले अंतिम वर्ष के लिए व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता। तो आपका लाभ हानि खाते, आपका सकल लाभ कितना हुआ? 32,350 रुपये आपको क्या प्राप्त हुआ? लाभ। हाँ बच्चों, आपको ऐसे ही उदाहरण, आगे उदाहरण दिए हुए हैं, आप उनको देखेंगे और करेंगे। चूंकि आपके लिए नया विषय है, आपको प्रैक्टिस करने पे आपको ये याद करना होगा कि डेबिट साइड कौन सी एंट्रीज आएंगी और क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री आएंगी। धन्यवाद बच्चों।